अखिल भारतीय किसान महासभा ने शहीद स्मारक लालकुआ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें व्यापक पैमाने पर किसानों की भागीदारी हुई। धरने की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। धरने के माध्यम से मांग की गई कि मोदी सरकार तत्काल प्रभाव से किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए संसद का आपातकालीन सत्र बुलाए, क्योंकि यह कानून असंवैधानिक तरीके से संसद से पारित किए गए हैं। एक दिवसीय धरना को संबोधित करते हुए किसान महासभा के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि कानून कॉर्पोरेट के मुनाफे और किसानों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। यहाँ पर हम जो है जो मोदी सरकार ने किसान विरोधी जो तीन कृषि कानून बनाए हैं, काले कानून बनाए हैं, और इनको निरस्त किए जाने के लिए और MSP को जो है उसको कानून उसके लिए कानून बनाए जाने के लिए कानून के दायरे में MSP को लाए जाने और जो पूरा देश में अनाज साग सब्जी फल और तमाम जो उत्पाद किसान पैदा करता है उसको जो है जो MSP है और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको जो है वो मिले, और जो मोदी सरकार ने बड़े कॉरपोरेट को व्यापारियों को जो खुली छूट दी है किसानों की उपज को कौड़ियों के भाव खरीदने के लिए ये बंद हो, और उन्हें जो है जो मंडियों को बंद कर या RFC जो अनाज खरीदती है मंडियों से अनाज खरीदती है धीरे धीरे मोदी सरकार उसको भी जो है समाप्त करने जा रही है, जिससे जो है आने वाले समय में जो यह जो कंट्रोल का राशन पूरे देश के नागरिकों को गरीबों को जो मिलता है और वो जो है PDS के तहत जो राशन मिलता है कंट्रोल का वो उसको भी जो है ख़त्म करने जा रही है। तो इसलिए जो आज का यो हमारा धरना है, आज क्योंकि 8वीं दौर की वार्ता किसानों की हमारे किसान नेताओं की आज वो होनी है सरकार के साथ, लेकिन सरकार जो है अपनी जो है वो हठधर्मी मोदी सरकार नहीं हठधर्मी नहीं छोड़ रही है। और दूसरी बात जो 70 से अधिक किसान शहादत दे चुके हैं और इतनी ठंड में बारिश में बच्चे बूढ़े महिलाएं बुजुर्ग जो है और जो वहां पर लाखों की संख्या में पूरे देश भर से वहां दिल्ली में जो है जो उनका जमावड़ा है जो पड़ाव है और इतने 70 से अधिक लोग जो है शहीद हो चुके, लेकिन मोदी सरकार ने जो है मोदी और अमित शाह कृषि मंत्री और यहाँ तक राजनाथ सिंह जी ने भी जो है एक शब्द जो है उस पर जो है दुख व्यक्त शोक व्यक्त नहीं किया, और यह बड़े मोदी सरकार के लिए बड़ी सर्व की बात है। आज का जो हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो जो आज 8वीं दौर की वार्ता दिल्ली में होनी है और ये तीनों जो है कृषि कानून जो काले कानून हैं किसान विरोधी कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार ने इनको जो है वापस लेने के लिए MSP को जो है कानून के दायरे में लाने के लिए कानून बनाने के लिए और इसके लिए जो है और यह जो है धरना आज यहाँ पर हमारा जारी है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा और यहाँ और पूरे देश में किसानों का ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों कृषि कानून जो है काले कानून वापस किसान विरोधी कानून वापस नहीं होते और MSP को जो है इसको कानून के दायरे में नहीं लाते कानून नहीं बनाते MSP को।